मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग से भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा को रवाना किया। यात्रा निकालने वाले उत्साही कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी और भरोसा जताया कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी घरों पर तिरंगा लहराया जाएगा। उनके साथ इस मौके पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। यात्रा रवाना करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि 2 वर्ष पहले आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़कर पंच प्रण का संकल्प लिया था। हर घर तिरंगा के माध्यम से भारत के आन बान शान का प्रतीक तिरंगा लहराने का काम किया था। मुझे प्रसन्नता है कि 2022-23 में उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित किया था। गत वर्ष भी उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराया गया था। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले देश की आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ करके पंच प्रण का संकल्प लिया था। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा के माध्यम से भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर पर लहराने का कार्य किया था। और मुझे प्रसन्नता है 2022-23 में उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित किया था। गत वर्ष भी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने का कार्य हुआ था। और प्रधानमंत्री मोदी जी के ही आह्वान पर इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा को 4.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने के बृहद संकल्प को हाथ में लिया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा का संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस अभियान के सहभागी बन रहे हैं। युवा मोर्चा के उत्साही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठन द्वारा भी इस अभियान में सहभागिता की जा रही है। अपने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए भारत के इस राष्ट्रीय प्रतीक आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक पहुंचाने के संकल्प में सहभागी बन रहे हैं। और पिछले 3 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर तिरंगा यात्रा जिस उत्साह के साथ युवा मोर्चा के उत्साही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में निकाल रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं, छात्रों के द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा, तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतीक है। आज हम सब लखनऊ महानगर की तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर एक बार फिर से आपके इस उत्साह के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी घरों पर तिरंगा होगा। इस अवसर पर जो उत्साह दिखाया जा रहा है, ये नए भारत का दर्शन करता है, क्योंकि तिरंगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतीक है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस भाव को अंगीकार करते हुए आज हम सब लखनऊ महानगर की इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
इस अवसर पर एक बार फिर से आपके इस उत्साह के लिए आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस पूरी यात्रा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि कल से आज से 15 अगस्त तक स्वाधीनता दिवस के दिन तक हर घर में तिरंगा लहराने का जो कार्यक्रम होना है, इस कार्यक्रम के साथ हम स्वयं भी जुड़ेंगे, हर उत्तर प्रदेश वासी को भी जोड़ेंगे और अपनी राष्ट्रीयता को, राष्ट्र प्रथम के भाव को, पंच प्रण के उन संकल्पों के साथ हम भी जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के लिए आपके प्रति मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूं।